आज का दिन अपनी तारीख, अपने मौके और हालात के एतबार से मुनफरिद तरीन दिन है। आज का दिन अगर आप इसे उम्मत मुसलमा के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए और उस अफ़गानिस्तान के लिए जिसका नाम आज उन्होंने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान रख दिया है, अमारात इस्लामिया का नाम दे दिया है, ये फतह मुबीन का दिन है। और इकबाल ने जो कहा था कि निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। ये आज का दिन हमारे लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए खुशी का दिन, और आज हम इसे इसी तौर पर मना रहे हैं। मैं नात के लिए जनाब अफजल मलक साहब से गुजारिश करूंगा कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। मैं एक पैगाम जो इकबाल का उम्मत मुसलमा के दर्द को देखते हुए, जो आज से 100 साल पहले मैं हजरत डॉक्टर साहब से आज जिक्र कर रहा था कि अफ़गानियों को जितना दबाने, जितना उनको रुलाने, जितना उन्हें जलीलो ख़ार करने की कोशिश की गई, ये सब मगरब की चाल थी। और इकबाल ने उस वक्त कहा था कि अफ़गानियों की गैरत दी का है ये इलाज कि मुल्ला को उनके कोहो दमन से निकाल दो। पूरे 40 साल जिस वक्त से मुझे याद है, 78 में जब रशिया वहाँ दाखिल हुआ और पाकिस्तान ने अपने एतबार से जो उसमें मदद की, मैं आज आपको उस वक़्त के हीरो का आज का बयान, उस वक्त आज से 6 साल पहले जनाब मेरे आपके हीरो हमीद गुल साहब का एक बयान था। उन्होंने कहा था कि आज ये तारीख लिखी गई है, आज ये तारीख लिखी गई है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अमेरिका की मदद से रशिया को शिकस्त दी है, और देखना तुम कल ये तारीख लिखी जाएगी कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी है। और आज वो उनका जुमला पूरी दुनिया में जो है वो घूम रहा है और वायरल हो रहा है। और उन्होंने जो उनकी गैरत ईमानी को ख़त्म करने के लिए जितने सबाब किए, तो इकबाल ने उस वक्त ही कहा था क्या कि आसार तो कुछ कुछ नज़र आते हैं कि आखिर तदबीर को तकदीर के शातर ने किया मात, ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। और फिर जब इनकी तहजीब पे आया कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। और उन गदाओं ने, उन फकीरों ने कल आपने देख लिया, करम है शहे अरबो अरजम के खड़े हैं मुंतजरे करम, वो गदा के तूने अता किया है जिन्हें दिमागे सिकंदरी, और गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे वजूर इतने। कल मैं दोस्तम के महल में जब वो दाखिल हुए हैं, दोस्तम उनका सबसे बड़ा खतरनाक और सबसे मनहूस जो जनरल था, उसके महल में दाखिल हुए तो उसके वो इस्तबरक जो सोफे थे और बड़े बड़े कालीन जो थे, बड़े खुशनुमा कालीन, उन पे बैठ के वो तरबूज खा रहे थे। वो गदा के तूने अता किया है जिन्हें तबागे सिकंदरी, और गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनअम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। ये था वो इकबाल का पैगाम, और ये थे वो इकबाल के मुजाहिद, और ये थे वो इकबाल के वो जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि फितरत के मकासद की करता है निगेबानी, या बंदाए सहराई या मर्द को हस्तानी। मैं नात के लिए जनाब कारी उमर फारूक
और फिर आपसे मुखातिब जनाब डॉक्टर साहब। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जनाबे डॉक्टर मसूद मुजाहिद साहब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हमारे मिनहाज यूनिवर्सिटी के, उनको दावत देने से कबल उन्हीं का पैगाम इकबाल की ज़ुबान में, मैं यकीन माने मेरा दिल चाहता है कि डॉक्टर साहब की तकरीर तो अपनी जगह एक डॉक्टर साहब की तकरीर होगी, ये कंपोटर की तकरीर भी आप अगर सुने तो मेरा दिल बाहर आ रहा है, मैं दिल निकाल के रखना चाहता हूँ। इकबाल ने उस वक़्त जो कहा था वो आज हम देख रहे हैं, तो दिल जो है वो फूल रहा है। दयारे मगरब में रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। कब पहले? 100 साल पहले उसे कह के गया। दयारे मगरब में रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कम अयार होगा। तुम्हारे डॉलर अब किसी काम नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे टैंक किसी काम नहीं आ रहे हैं। और उसने उसी वक्त कहा था, और जो नौजवानों से फिर कहा, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। और समा अल फक्र फखरी का रहा शान इमारत में, चे आब हाँ बाद चे आबे रंग खालो खत चे हाजत रूए जेबारा, बाबे खालो खत चे 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 हाजत रूए जेबारा। और फिर आगे वो कहता है, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमाने तुमको हमको दे मारा। और क्या है मगर वो इल्म के मोती, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। आगे क्या कहता है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। और ये नौजवानों को पैगाम, मैं बला ताखीर अब डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हों और इस फतेह मुबीन पे अपने इरशादात से नवाजें। जनाब डॉक्टर मसूद मुजाहिद या तारीख साज भी मैं कहूँगा, और गैर मामूली इसलिए कहूँगा, हज़रत कन्नत साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें देख के आज की तारीख मुझे याद आई है कि आज वही 17 अगस्त शुरू होने वाला है, 88 मुजाहिद अव्वल और मुजाहिद दौरा हज़रत ज़ियाउल हक मर्दे मोमन मर्दे हक, जिसकी शहादत ने और जिसके जज्बे ने पूरे आलम इस्लाम को ज़िंदा व पाइंदा किया, जिसकी शख्सियत ने जिसको इमाम काबा ने पकड़ के कहा कि मुस्लिम उम्मा के इमाम आप हैं, आप इमामत फरमाएं, हम आपकी इक्तदा में हैं, जिसने अरब माओं से जिनके 4 बेटे थे उन्होंने 2 बेटे ज़ियाउल हक साहब के सुपुर्द किए कि ये आपके लिए हैं और जिहाद के लिए हैं, और तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, आज उसकी बरसी पर उनके लिए ये खुशखबरी है, उनकी कब्र पे जाके कोई कह दे कि तुमने रूस को वहाँ जूते मार के निकाला, आज तेरे उन फर्जंदों ने अमरीका को उन्हीं जूतों के साथ पाक सरजमीन से और अफगान सरजमीन से चलता किया है, आपकी कब्र भी मुनव्वर और हमारी तारीख भी जो है वो रोशन। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। और आज डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर सुल्तान सिकंदर साहब के साथ जो उनके अपने खदशात हैं और जो हालात हैं उनके मुताबिक उनके खदशात बहुत अच्छे और बहुत वज़नी हैं,
ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। जाहिर में तिजारत है हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्ग मफाजात। और आसार तो कुछ कुछ नजर आते हैं कि आखिर तदबीर को तकदीर के शातर ने किया मात। और फिर इकबाल क्या कहते हैं, ये मशीनों की हुकूमत है। आज उस मशीनों की हुकूमत को मात दी है उन साइकिल वालों ने, उन गुलेलों वालों ने, और वो दस्तार वालों ने, वो जुब्बे वालों ने। और अल्लाह ताला उनको कायम और दायम रखे। और इनका ख़दशा, मैं बिल्कुल साफ इनकी ज़ुबान में कहूँगा, और इकबाल ने जो कहा था यही उनका ख़दशा था कि अहले अरब से उनकी रवायात छीन लो, आहू को मुर्गज़ारे ख़तन से निकाल दो, फ़िक्रे अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। वो कैफियत उन्होंने पैदा की, एक तरफ ये हुआ और आज अफ़ग़ानिस्तान में क्या हुआ वो आपके और मेरे सामने है कि तदबीर को तकदीर के शातर ने किया मात। है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। मैं आपके और डॉक्टर सुल्तान सिकंदर साहब के जज्बात के मैं हायल नहीं रहना चाहता, वरना इकबाल हो और ये इकबाल का डिस्पेंसर और कंपाउंडर हो तो चलता रहेगा कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारो मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जनाबे सुल्तान सिकंदर और डॉक्टर, पहले भी और अब भी।